Okay, once again we are going to cover two topics here, that is the definition and the characteristics of creativeness. But before going to the definition, I will cover the characteristics first because अगर हम लोग characteristics अच्छे से समझ लेंगे तो definition समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? तो सबसे पहला point ये है कि creativeness differs from person to person. आप क्या हो उसके basis पे आपकी creativeness differ करेगी. ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो क्या चीज़ आपको क्रिएटिव बनाएगी, क्या चीज़ आपको अलग बनाएगी, क्या चीज़ आपको हट के बनाएगी, तो क्या चीज़ है वो कि आप अपनी कला से, अपनी आर्ट से, अपने फ़न से, अपने हुनर से लोगों को इमोशनल करोगे, लोगों को भावुक करोगे, लोग जज्बाती हो जाएंगे आपका आर्ट, आपकी कला, आपकी ड्राइंग देख के. इतने भी जज्बाती हो सकते हैं कि आपको आगे पिट डाल लें अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बनाया है तो. सो इवोक एन इमोशनल मूड ऑफ पीपल, ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट चलते हैं. अगर आप एक आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास औजार होंगे, हथियार होंगे, कुछ होंगे जिससे आप नया मटेरियल कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करोगे, नए फॉर्म, नए डिज़ाइन, नए शेप्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे जिससे सामने वाला जो है आपकी क्रिएटिवनेस का कायल हो जाए, आपको और प्रोजेक्ट्स दे, आपको और काम दे अच्छे अच्छे और थर्ड आ जाते हैं साइंटिस्ट. अगर आप एक साइंटिस्ट हो तो साइंटिस्ट ने क्या किया आज तक, क्या किया है इन लोगों ने ज़िंदगी में, जो पहले से रहता है उसको बढ़ा देते हैं, जो ये सही रहता है उसको गलत कर देते हैं, जो गलत रहता है उसको सही कर देते हैं ताकि हम आगे 50 सालों तक उसको पढ़ते रहें. तो यही होगा साइंटिस्ट क्या करेगा. अगर आप एक साइंटिस्ट हो तो एक्सप्लोर द न्यू वे टू एक्सटेंड द नॉलेज. नॉलेज ऑलरेडी देयर बट वो अपने पॉस्टुलेट्स लगा के, अपनी थ्योरी लगा के, अपना कंसेप्शन लगा के, अपने आइडियाज़ लगा के, अपने प्रिंसिपल्स लगा के, अपना इनोवेशन लगा के उसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं हम, ठीक है. एंड अगर आप एक टीचर हो तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएटिवनेस डिज़ाइन करने की कोशिश की ताकि कुछ हटके लगे, कुछ अलग लगे और इजीली ग्रैप्स हो सके, इसीलिए जो टीचर भी यही करता है, टीचिंग एड, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग कुछ ऐसा यूज़ करने की कोशिश करता है जिससे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हों, उनको नया लगे, उनको क्रिएटिव लगे, अच्छा लगे, पढ़ने में हेल्प हो उनके, ठीक है. एंड अगेन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो दुनिया भर के काम आप कर सकते हो. आपको चार्ट वगैरह दिया गया है, प्रोजेक्ट वगैरह दिया गया है बनाने के लिए, तो आप उसमें कुछ इनोवेशन ला सकते हो. आपको ऐसे दिया गया है, कहानी दी गई है, स्टोरी दी गई लिखने के लिए, तो आप नए नए तरीके, नए नए वर्ड्स, नए नए फ्रेसेस और नया नया कुछ यूज़ करके उसको एकदम अलग हटके बना सकते हो, ठीक है, एकदम अलग तरीके से लिख सकते हो आप अपनी स्टोरी. आपको कोई सम दिया गया, आपको कोई ट्रिक आती है, आपको कोई शॉर्टकट पता है, आपको कुछ पता है जिससे आप फटाफट फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हो और टीचर की नज़र में एकदम अच्छे और क्रिएटिव बन सकते हो, ठीक है. और सोशल मीडिया तो हम आजकल सभी यूज़ करते हैं, हमको पता है नए नए वर्ड्स, नए नए फ्रेसेस, स्लैंग वर्ड्स जिनको कहते हैं, जो डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेंगे आपको, वो वर्ड्स TTYL, TT, टॉक टू यू लेटर और पता नहीं क्या क्या, थैंक यू सो मच के लिए भी अलग अलग वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. तो सबको पता ही है. सो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तो हम लोग का सबसे पहला है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज, जो भी है, ठीक है, इट विल बी अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ओनली, ठीक है. जब तक आप इंट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी अलग नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है तो उसको अपने क्लासरूम से इंटरेक्ट करना होगा, अगर वो आर्टिस्ट है तो उसको अपनी कला से इंटरेक्ट करना है, अगर वो आर्किटेक्ट है तो उसको अपने हथियारों औजारों से इंटरेक्ट करना है, अगर वो साइंटिस्ट है तो उसको अपनी सोच से, अपनी नॉलेज से इंटरेक्ट करना है, अगर आप टीचर हो तो आपको टीचिंग एड से, मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटरेक्शन करना है जिसके रिजल्ट में आप एक क्रिएटिव इंसान बन सकते हो. दूसरा, ऑब्वियसली इट इज़ द एबिलिटी, आपकी काबिलियत है कि आप उससे नए नए आइडियाज़, नए नए थेरीज, नए नए कंसेप्ट, नए नए प्रोजेक्ट्स सब बनाओ, ऑब्जेक्ट्स बनाओ नए नए, ठीक है. देन वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप समथिंग वेरी ओरिजिनल, वेरी न्यू, दैट हैज़ नेवर बीन इन्वेंटेड बिफोर. किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने उसे जाना नहीं, सुना नहीं, आपने वो चीज़ बनाई है, ठीक है. वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं होने वाला है, पहली बार हो रहा है, डायनेमिक चेंज होगा, आपको खुद को नहीं पता कि आपने कौन सा प्रोसेस, कौन सा मेथड यूज़ करना है उस नई चीज़ को बनाने के लिए, तो आपके लिए भी चेंजिंग एनवायरनमेंट होगा. एंड अगेन, अब बहुत ही अच्छा सा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, नोज नो स्पेशल मीडियम, प्लेस, पर्सन और टाइम. ऑब्वियसली अगर आप एक क्रिएटिव हो, आपके अंदर क्रिएटिवनेस का कीड़ा है, तो आप कभी भी टाइम नहीं देखोगे, कभी भी पर्सन नहीं देखोगे, कभी भी प्लेस नहीं देखोगे, कभी भी कोई मीडियम नहीं देखोगे, बस आप अपनी क्रिएटिवनेस, आपको दिखाना है तो दिखाना है, ठीक है. एंड देन लास्ट टू आर दी सेम लाइक दिस ओनली, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है, हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं हर सिचुएशन में, क्रिएटिवनेस उनका उभरे उभरे भरे भरे रहता है, ठीक है.
रेडीनेस टू चेंज सेल्फ एंड एनवायरनमेंट, हमेशा रेडी रहते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए. उनका बस नहीं चलता कि सामने रखी हुई चीज़ को किस तरह तोड़ मड़ो और उठा पटक के कुछ नया बना दें, कुछ अलग बना दें, कुछ इनोवेटिव कर जाएँ, कुछ क्रिएटिव कर जाएँ. ठीक है, तो दिस वॉज दी होल आइडिया अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बींग अ क्रिएटिव पर्सन. ओके, नेक्स्ट वी विल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विल कवर दी डेफिनेशन ऑल्सो. ओके, थैंक यू सो मच.